हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, और इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, और मतलब हमारे दिमाग को ऐसे काम करना चाहिए तेज़ी से कि हम अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकें। चाहे बेशक हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, चाहे हमारा पेट निकला हो, चाहे हम मोटे हों, कितने भी कैसे भी हों, हमारी फिजिकल अपीयरेंस उस चीज़ में मायने नहीं रखती, हमारा दिमाग बढ़िया चलना चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसमें कैरेक्टर्स हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। जो इसमें लीड कैरेक्टर है उसका नाम है ऑसवल। ठीक है, ये मोटू सा दिखने वाला, ये एक सीक्रेट एजेंट है, और इसके साथ ये दूसरा जो सीक्रेट एजेंट दिखाई दे रहा है इसका नाम है मैक्स। ठीक है, तो ये ऑसवल हो गया, ये मैक्स हो गया, और जो तीसरा जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पीछे, ये एक राइटर है जो ऑसवल के बारे में जानने के लिए आता है कि भाई वो कैसा है, उससे पहली बार मिल रहा है वो, इसका नाम है फॉलर। ठीक है, ये सोचता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग होगा, लेकिन इसको आके निराशा होती है। और आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि ऑसवल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कि भाई उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं किसी न किसी मामले से जुड़े हुए। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, थ्रीटन्स हिम विद ए पिस्टल। वो उसको पिस्तौल दिखा करके थ्रीट करता है, धमकी देता है, और डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो उसे रिपोर्ट की डिमांड करता है, कहता है ये जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है ये मुझे दो। डज ऑसवल आउटविट हिम, क्या उसको जो ऑसवल है वो अपनी बुद्धि से चकमा दे पाता है। इस तरीके से आइए हम अपना चैप्टर शुरू करें। तो इसमें लिखा हुआ रीड एंड फाइंड आउट, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो हाउ इज़ ऑसवल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो ऑसवल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है, एक तो ये बात पता लगाएंगे, और दूसरी बात हाउ इज़ फॉलर एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। भाई फॉलर, हु इज़ फॉलर, फॉलर कौन है, और उसकी फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, जो पहला उसका दिन का बिल्कुल ही अच्छी जो थ्रिल थी, रोमांच था उसके लिए, वो क्या था, बिल्कुल रोमांच जो उसका लगा, रोमांचक चीज़ जो उसको लगी, उसका पहले देखने को क्या मिली पहली बार। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ऑसवल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑसवल है, ठीक है भाई, वो किसी भी फिट नहीं होता है, किस में, किसी भी डिस्क्रिप्शन में, मतलब उसमें कोई भी विशेषता नहीं है ऑसवल में, किस चीज़ की, सीक्रेट एजेंट की, वो लगता ही नहीं भाई सीक्रेट एजेंट है। फॉलर हैड एवर रेड, जो ऐसे भी आज तक उसने बुक्स पढ़ी हैं फॉलर ने, जिसमें सीक्रेट एजेंट्स के बारे में उसने देखा है, पढ़ा है, भाई कैसे स्मार्ट से होते हैं वो, और एकदम से कैसे वो जांच पड़ताल करते हैं, तो उसमें उस जैसा कुछ नहीं लगा उन जैसा। आगे कहते हैं कि भी फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसवल हैड ए रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। तो यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग हिम डाउन, भाई उसके फॉलो करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए, किसमें, मस्टी कॉरिडोर, मस्टी कॉरिडोर मैंने मतलब सीलन भरा एक गलियारा सा है, उसमें मतलब बदबूदार सी, उसमें गलियारे में से कॉरिडोर में से हो जाते हैं, और ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी का मतलब निराशाजनक सा, मतलब सुंदर नहीं है वो होटल जिसमें वो ठहरा हुआ है, और वेयर ऑसवल हैड ए रूम, और ऑसवल ने वहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक रूम लिया हुआ है, एक कमरा लिया हुआ है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, तो फॉलर को ये इसके होटल के हालात देख के, जहाँ पे वो कमरे में ठहरा हुआ है उसके हालात देख के, वो लेट डाउन होता है, मतलब वो निराशा फील करता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये बहुत ही छोटा सा कमरा है, ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, छठे और टॉप फ्लोर पे है, एंड स्केरसली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। स्केरसली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, भाई यहाँ पे कुछ भी रोमांटिक एडवेंचर नहीं हो सकता, मतलब कोई भी रोमांचक कार्य नहीं हो सकता कि भाई जिसको करने में यहाँ पे मज़ा आए, कोई भी रोमांटिक कार्य यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑसवल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, जो ऑसवल में एक चीज़ थी,
ठीक है, जो देखने को मिली उसमें एक चीज़ वो क्या थी, एक बात जो थी उसमें वो था मोटा, ठीक है, और वेरी फैट, बहुत मोटा, एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और दूसरी बात क्या थी उसमें, उसकी एक्सेंट मतलब उसका जो बोलने का लहजा था वो, ठीक है, तो दो बातें उसमें उसको अजीब सी लगी। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली का मतलब होता है कि काम चलाओ, ठीक है, वो फ्रेंच और जर्मन दो लैंग्वेज को वो यद्यपि बोल लेता था, हालांकि वो बोल लेता था, ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो। तो जब वो बोस्टन से पेरिस में 20 साल पहले आया था तो उसके पास अमेरिकन एक्सेंट थी, मतलब अमेरिका की बोली का एकदम से फ्रेंच और जर्मन बोलते हुए उच्चारण जो लेके आया था वो आज भी उसने नहीं छोड़ा था, ठीक है, उसने उसको लॉस्ट नहीं किया था। यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसबल सेट वीजिली ओवर हिज शोल्डर, तो मतलब उसने ऑसबल ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा कि भाई यू आर डिसअपॉइंटेड, भाई तुम्हें थोड़ी निराशा हुई होगी, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट ए स्पाई डीलिंग इन द एस्पिनॉज और एंड डेंजर, तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हें बताया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ, और डीलिंग इन एस्पिनॉज एंड डेंजर, और मैं डील किस में करता हूँ, एस्पिनॉज मैंने गुप्तचर के रही में, मैं भाई स्पाई हूँ मैं, ठीक है, स्पाई को ही बोलते हैं, और डेंजर और खतरे के काम करता हूँ मैं, इस तरीके से मुझे तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, और तुमने विश की होगी, इच्छा की होगी मीट करने की, मुझसे मिलने की, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, और तुम कैसे राइटर हो, एक यंग हो और रोमांटिक और रोमांच से भरे हुए हो, ठीक है, यू Envisioned mysterious figures in the night. और तुमने क्या envision किया होगा, the crack of pistols, drugs in the wine. तो भाई तुमने envision का मतलब अंदाजा लगाया होगा, ठीक है, vision का मतलब होता है देखना, और envision का मतलब भाई इस तरीके से तुमने सोचा होगा, mysterious figure को भाई कोई रहस्यात्मक figure कोई मिलेगा तुम्हें, एक ऐसा चरित्र देखने को मिलेगा जो रहस्यात्मक होगा, in the night, रात में आपको वो मतलब जैसा कोई सोचता है किसी जासूस के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में, ऐसा वो सोच बताता उसको, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पिस्टल्स चल रही हैं, ड्रग्स ऑफ वाइन या फिर शराब में दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं, इस तरीके की भाई तुमने आज तक पढ़ा है वैसे ही देखने को मिलेगा भाई, ऐसा वो उसको बताता है, कौन, ऑसबल बताता है फॉलर को, ऐसा सोचता है भाई तुमने अच्छा सोचा होगा मेरे बारे में। Instead, और इसकी जगह पे, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. तो यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन तुमने क्या किया, इसकी जगह पे यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, भी तुमने तो एक खराब अपनी शाम को खराब कर लिया है, कहाँ पे, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद ए स्लोपी फैट मैन, भाई एक मोटे से बिल्कुल ही एक स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है बेडंगा सा कोई, ठीक है, बेडंगे से किसी फैट मैन मोटे आदमी के साथ तुमने अपनी शाम को खराब कर लिया है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, और क्या कर रहा है वो, इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस slipped into his hands by dark-eyed beauties, भाई उसको कोई सुंदर लड़की कोई मैसेज पास नहीं कर रही है उसको, कभी कोई सुंदर सी लड़की उसके पास नहीं आ रही है मैसेज देने के लिए, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room, लेकिन बस वो क्या कर रहा है, क्या गेट कर रहा है, क्या प्राप्त कर रहा है, prosaic call मतलब अनइंटरेस्टिंग, prosaic का मतलब है अनइंटरेस्टिंग सी, बेडंगी सी, बेरुचि की, जिसमें कोई रुचि ना हो, भाई टेलीफोन कॉल आ रही है उसके पास कि भी कोई उससे मिलने आ रहा है उसके कमरे में, ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो यहाँ पे, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो गए होगे, तुम्हारा तो बिल्कुल ही रुचि खत्म हो गई होगी यहाँ पे, द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, और ये क्या रहा है, चकल्ड का मतलब है मजाक करना, खुद से ही वो हंस रहा है, हंसे जा रहा है, एज ही अनलॉक्ड द डोर, और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो अनलॉक कर रहा है मतलब अपने दरवाजे का ताला खोल रहा है, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और क्या कर रहा है, और साथ में वो खड़े हुए देख रहा है कि भाई
मतलब स्टूड असाइड, मतलब वो खड़ा हो गया, कहाँ पे खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। किस लिए खड़ा हो गया ताला खोल के वो, कि भाई ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड जो परेशान था उसके पास जो गेस्ट आया फॉलर वो एंटर हो सके, उसको वो आने की जगह दे सके। यू आर डिसिल्यूजन्ड, ऑस्बल टोल्ड हिम, ऑस्बल ने उसको कहा कि तुम्हें निराशा हुई होगी, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भी तुम खुश रहो, ठीक है, परंतु तुम खुश हो जाओ मेरे दोस्त भाई, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अब तुम एक ऐसा पेपर देखोगे, एक बहुत ही ज़रूरी ऐसा कागजात देखोगे, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, भाई वो मेरे पास आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया अपनी लाइफ का, ठीक है, मैन ने भी और वुमेन ने, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है। समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्टेड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो कह रहा है कि भी क्या हो रहा है कि भी समडे सून, भी कुछ दिन पहले ही दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि भी कुछ दिन में ही वो पेपर जो है वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री बदलने वाला, मतलब हिस्ट्री को चेंज करने वाला है। यहाँ पे जो ये पेपर है ये भाई हिस्ट्री पे असर डालेगा, मतलब थोड़ा इतिहास बदल देगा, ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, और वो कह रहा है कि जो ये थॉट है, जो ये सोच है, इसमें एक ड्रामा नहीं लग रहा, एक नाटक सा नहीं लग रहा तुम्हें, ठीक है, इज देयर नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक ऑस्बल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वो ये बात कही उसने, ऐसा कह करके ऑस्बल ने क्या कर दिया, डोर को क्लोज कर दिया उसके पीछे से, ठीक है। और देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, तब उसने क्या किया, लाइट को स्विच ऑन किया उसने, ठीक है, स्विच ऑन कर दी लाइट। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फॉलर को क्या देखने को मिला, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब उसको पहला जो ऑथेंटिक का मतलब सच्चा, थ्रिल का मतलब रोमांच, सच्चा रोमांच देखने को मिला दिन का, जो क्योंकि उसका पूरे दिन में उसने पहली बार ये रोमांच ऐसा ऐसा देखने को मिला उस दिन। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब हाफ वे का मतलब अपने कमरे में वो थोड़ा सा ही दूर, क्या दिखाई दिया उसको, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, तो उसको क्या दिया, स्टूड ए मैन, तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल है, मतलब एकदम से अपने आप से चलने वाली पिस्टल है, कि भाई जिसमें से गोलियाँ टक 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 टा इस तरीके से चलती हैं। तो ऑस्बल ब्लिंकड ए फ्यू टाइम, ऑस्बल ने एकदम से ब्लिंक किया, मतलब उन्हें पलके झपकाई कुछ बार, मैक्स ही वीज्ड, और उसने कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे तो भाई चौंका दिया तुमने मुझे, ठीक है भाई, तुमने मुझे एकदम से स्टार्ट कर दिया, चौंका दिया मुझे, तो अचंभे में डाल दिया, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, भाई मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में होंगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, तो इस तरीके से ऑस्बल ने मैक्स को कहा। तो आगे देखो, मैक्स वॉज स्लेंडर ए लिटिल लेस देन टॉल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेस ऑफ ए फॉक्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्स है वो कैसा है, स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब था पतला पतला सा था, ए लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से थोड़ा सा कम, मतलब मीडियम हाइट है उसकी, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेस ऑफ ए फेस, और उसका जो फीचर्स हैं, मतलब उसकी देखने में वो कैसा लगता है, दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेस ऑफ फेस, काउंटेस का मतलब काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस, चेहरा, ठीक है, उसका चेहरा कैसा है, पॉइंटेड मतलब नुकीला सा है, और कैसा है, लोमड़ी जैसा, लेकिन उसकी जो क्राफ्टनेस है, मतलब जो उसके अंदर जो भी धूर्तता है, चालाकी सी है, वो लगती नहीं है, मतलब उस तरीके से वो नहीं लगता है, लेकिन उसका जो फेस है वो थोड़ा पॉइंटेड सा है। तो देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनासिंग,
तो यहाँ पे कह रहा है कि भी उसमें देर वॉज अबाउट हिम, उसके बारे में जो बात है असाइड फ्रॉम द गन, भाई गन को छोड़ के जो उसके पास एक बंदूक है, नथिंग स्पेशली मिनासिंग, तो उसके पास कोई भी ये मिनासिंग मतलब डराने वाली कोई भी इसके अलावा उसमें कोई भी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं लगता कभी उससे कोई डर जाए, ठीक है, बस पिस्टल ही है उसके पास जो डरा सकती है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उस मतलब मर्म का मतलब वो बुदबुदाया, कौन, मैक्स, मैक्स थोड़ा सा बुदबुदाया, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, भाई वो रिपोर्ट मुझे चाहिए जिसमें कि दैट बीइंग ब्रॉट टू यू, भाई जो तुम्हारे पास आने वाली है टुनाइट आज रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और जिसमें कंसर्निंग मतलब जिसमें कि किसके बारे में है, न्यू मिसाइल्स, नई मिसाइलों के बारे में जिसके अंदर है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे ये ले लूँ, ठीक है, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन योर्स, भाई ये मेरे हाथ में तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, क्या रहेगी, बी रिपोर्ट्स, इस तरीके से मैक्स उसको कहता है। आगे कहता है कि भाई ऑस्बल मूव्स टू एन आर्म चेयर एंड सेट हैविली, भाई जो ऑस्बल था मूव टू एन आर्म चेयर, वो उस एक आर्म चेयर की तरफ गया, जो मोटू था जो गुप्तचर था वहाँ पे, वो आर्म चेयर की तरफ गया और सेट डाउन हैविली, सेट डाउन का मतलब बैठ गया और हैविली का मतलब भारी मन से, मतलब दुखी सा होकर के वो बैठ गया। आगे कहता है आई एम टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, भाई जो ये बुरी बात है, डेविल का मतलब बुरी बात है, विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, भाई मैं इस बात को रेज करने वाला हूँ, उठाने वाला हूँ मैनेजमेंट से, जो यहाँ की प्रबंधन की कमेटी है जो यहाँ पे होटल की, भाई इस बार मैं उनको शिकायत करने वाला हूँ, ठीक है, ये बुराई है भाई, ये गलत बात है कि भाई मैं इस बात के लिए तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि भाई मैं इस बार उनको बहुत ही ज़्यादा धमकाने वाला हूँ, उनकी शिकायत करने वाला हूँ। ही सेड ग्रीमिली, और उसने ये बात क्या करी, ग्रीमिली मतलब गंभीरता के साथ उसने ये बात उनको कह दी कि भाई मैं उनकी शिकायत करने वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम, वो कह रहा है कि भाई ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है इन ए मंथ, एक महीने में, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉइसेस ऑफ ए बैल्कनी, भाई इस महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि भाई समबडी मतलब कोई बंदा हैज़ गॉट इन टू माई रूम, भाई मेरे रूम में घुस गया है, कैसे, थ्रू दैट नॉइसेस ऑफ बैल्कनी, और कहाँ से घुस गया है कि भाई उस बैल्कनी में से, जो पीछे बैल्कनी दिख रही है उसमें से कोई मेरे रूम में घुस गया है। फॉलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फॉलर की आईज है मतलब जो आंखें हैं, वेंट टू द सिंगल विंडो, और कहाँ पे गई, जो फॉलर था राइटर था वहाँ पे जो खड़ा था, उसकी आंखें एकदम से वहाँ पे एक सिंगल विंडो जो खिड़की लगी हुई थी रूम में उसकी तरफ गई, ठीक है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये कैसी विंडो थी, ये एक ऑर्डनरी मतलब साधारण सी एक विंडो दिख रही थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से अब क्या लग रहा था, अगेंस्ट विच मतलब उस खिड़की में से देखने पे अब बाहर क्या दिख रहा था, नाइट, रात दिख रही थी, प्रेसिंग ब्लैकली मतलब जो जिसमें से अभी अंधेरा प्रेस मैंने होने वाला मतलब घिरने वाला था उसमें, ठीक है। आगे कहता है बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी, विद ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन, और उसने मतलब राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है बड़ी उत्सुकता के साथ, ठीक है, बड़ी उत्सुकता के साथ उसने कहा नो ए पास की, भाई नहीं मेरे पास तो एक पास की है, भाई मैं बालकनी से नहीं आया, ठीक है, मेरे पास तो एक चाबी थी, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, भाई मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, इट माइट हैव सेव्ड सम ट्रबल Had I known, और वो कह रहा है कि भाई it might have saved me, भाई ये मुझे बचा सकती थी अगर मुझे some trouble, had I known, भाई यदि मुझे इसके बारे में पता होता तो ये मेरी थोड़ी परेशानी काबू कर देती, मैं इसी में से आ जाता, भाई मैं तो अभी तो मैं किस में से आया हूँ, भाई ताला खोल के आया हूँ, पास की है मेरे पास, भाई मेरे पास एक दूसरी चाबी है। आगे कहते हैं इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑस्बल सेड विद एक्सट्रीम इरीटेशन, और इरीटेशन का मतलब झल्लाहते हुए, झल्लाहट के साथ, ठीक है,
उसने क्या झुंझलाहट के साथ एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा झुंझला करके ओसवाल ने कहा इट इज़ नॉट माई बैल्कनी, भाई ये बैल्कनी मेरी नहीं है, भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है और फिर भी यहाँ पे ये खुली हुई है, भाई मेरे कमरे से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, बल्कि ये तो दूसरे कमरे वाले की बैल्कनी है, मेरी नहीं है, ये तो अगले कमरे वाले की बैल्कनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और उसने क्या किया, ही ग्लैंस्ड मतलब उसने एक दूसरे ग्लैंस मतलब नज़र डाली, एक्सप्लेनेटरी मतलब एक्सप्लेन करने के तरीके से, जैसे वो फॉलर को कोई बात बता रहा हो इस तरीके से उसने उसकी तरफ देखा। यू सी ही सेड, उसने कहा तुम्हें दिख रहा है ये सब कुछ, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, भाई ये जो रूम है ये बहुत ही लार्ज यूनिट मतलब बड़ा कमरा होता था, ठीक है, उसका एक भाग होता था, एंड द नेक्स्ट रूम, और जो नेक्स्ट रूम है अगला जो कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, और उस दरवाजे के साथ वो लगता था यूज टू बी द लिविंग रूम, ये एक भाई बड़ा कमरा हुआ करता था जिसको लिविंग रूम के रूप में मतलब रहने के कमरे के रूप में यूज़ किया जाता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और भाई इसमें अब जो बालकनी है वो मेरे अब कमरे की इस विंडो तक आती है, इस खिड़की तक वो आती है, मतलब इसके बारे में बता रहा है वो जानबूझ के, फॉलर को बताया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करके ये बालकनी है, बालकनी के बारे में वो एक स्टोरी तैयार कर रहा है यहाँ पे, उसको फॉलर को बता बता के, मैक्स को नहीं बता रहा है, वो मैक्स को बताना चाह रहा है लेकिन वो फॉलर के को सुना रहा है जानबूझ के कि भाई मैक्स को एक बालकनी की तस्वीर तैयार हो जाए। तो यू कैन गेट इन टू ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, वो कह रहा है कि भाई पिछले महीने ऐसे ही किया था कि भाई अगर आपको भाई नीचे जो दो दरवाजे निकल करके नीचे की तरफ उसमें से आप खाली कमरे में प्रवेश कर सकते हो। आगे कह रहा है द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आगे कहता है मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफी नॉट फार फ्रॉम ऑसबल एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर। अब मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, ठीक है, ग्लैंस किया, देखा उसकी तरफ, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, जो बिल्कुल ही सीधा ही खड़ा हुआ था, नॉट फार फ्रॉम ऑसबल, ऑसबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था वो, एंड वेव्ड द गन, और उसकी तरफ गन को हिलाया उसने, इशारा किया विद ए कमांडिंग गेस्चर, और बिल्कुल आदेश देने के तरीके से कि भी जैसे कि वो उसको आदेश दे रहा हो, उसको वो कहना चाह रहा हो कुछ, ठीक है, तो क्या कह रहा है उसको, प्लीज सिट डाउन, प्लीज़ आप बैठ जाइए, ठीक है, ही सेड, उसने उसको कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, भाई हमें आधा घंटा लगभग वेट करनी पड़ेगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आधे घंटे तक वेट करनी पड़ेगी, किसके लिए, पेपर्स के लिए, वो ऐसा उसने उसको कहा, इसलिए तुम बैठ जाओ, तो 31 मिनट्स, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट, 31 मिनट, ऑसबल सेड मोडीली, ऑसबल ने मजाक में उसको कहा कि नहीं नहीं 31 मिनट वेट करनी पड़ेगी, उसके साथ वो हंसते हुए कहा, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो मेरी अपॉइंटमेंट है, जो मेरे मुलाकात का जो टाइम है, जो मेरे पास आने का टाइम है उसका, वो 12:30 का है, मतलब भाई 12:30 उसको मेरे पास आना है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स वो कह रहा है भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें कैसे पता था, हाउ यू लर्न, भाई तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, मैक्स को वो कह रहा है ऑसबल, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड, और जो वो छोटा जासूस था जो मैक्स था उसने स्माइल किया, ठीक है, इविली मैंने कुटिलता के साथ बड़े ही मतलब अजीब सी मुस्कान दी उसने, ठीक है, एंड वी विश्ड वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, और ये भी इच्छा है कि भी तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिली, ठीक है, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई, कोई हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसे आज रात अपने साथ वापस ले लूँगा, ठीक है, वॉट इज इट, ये क्या बात है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, एकदम से मतलब उसने कहा मैक्स ने कि भाई क्या है, कौन कौन है दरवाजे पर, ठीक है,
फॉलर जंप्ड एट सडन नॉकिंग एट द डोर, और जो फॉलर था, जो राइटर था, उसने एकदम से जंप सा लिया, झटका सा लिया उसको, क्योंकि एकदम से नॉकिंग हुई थी डोर पे, दरवाजे पे किसी ने टक टक ऐसे किया था, ठीक है। ऑसबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसबल को एकदम से स्माइल आई, एक मुस्कुराहट आई उसके चेहरे पे, दैट विल बी द पुलिस, उसने कहा कि पुलिस होगी, ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो उसने कहा कि भाई मुझे लगता है कि भाई इतने इम्पोर्टेंट पेपर हैं कि भाई दैट वी आर वेटिंग फॉर, भाई जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, भाई उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने कि भाई आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी, मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो इसलिए मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि भाई थोड़ा सा चेक रखना, भाई ध्यान रखना, तो मेक श्योर कि भाई तुम ये श्योर कर लेना कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, भाई इसलिए मैंने पुलिस को बोला हुआ है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने क्या किया कि जो बिट किए, बिट मैंने चबाए, क्या किया, क्या चबाए, अपने लिप, अपने होंठ चबाए, नर्वसली मतलब नर्वस होकर के उसने अपने होठों को दबाया एकदम से अपने दांतों के बीच में। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग हो रही थी वहाँ पे, जो टक टक की आवाज़ आ रही थी ऐसे ये वाली, तो वहाँ पे रिपीटेड आ रही थी, मतलब वो बार बार रिपीट हो रही थी। तो व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसबल आस्क्ड। तो ऑसबल ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स, ठीक है, उसको जान बुझ के वो उसको नर्वस करने की कोशिश कर रहा है, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ठीक है। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे पर आंसर ना करूं, जो मैं दरवाजे पे अब आंसर ना करूं, इस दरवाजे पे जो नॉकिंग हो रही है, दे विल एंटर एनीवे, और वो एकदम से एंटर कर जाएंगे, द डोर इज़ अनलॉक्ड, और दरवाजा वैसे भी अनलॉक है, लॉक थोड़ी कर रखा है हमने, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने मतलब गोली चलाने में भी वो नहीं हिचकिचाएंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, जो मैक्स का जो फेस था, जो चेहरा था, वो ब्लैक हो गया, काला हो गया गुस्से के साथ, एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और एकदम से वो बैक हुआ, वापस हुआ स्विफ्टली, तेजी के साथ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स किसकी तरफ, विंडो की तरफ, एकदम से मतलब वो पीछे गया। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, सिल होता है दहली, जो उसकी जैसे खिड़की है तो ये उसकी सिल है, ठीक है, तो ये दहली पे उसने अपनी एक टांग लटका दी, ठीक है। सेंड देम अवे, उसने कहा कि इन्हें भगा दो, वापस भेज दो, ही वांड, उसने मतलब गोली उनकी तरफ करके पिस्टल, कहा कि इनको वापस भेज दो, आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं तुम यहाँ बालकनी में तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, और इनको वापस भेज दो, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, और अपना जो भी मैंने ये करना है वो मैं सब कुछ कर दूंगा, जल्दी से करो, ठीक है, मैं तुम्हें मारने में नहीं झिझकूंगा, ठीक है, और बाकी जो होगा वो सब देखा जाएगा, इस तरीके से वो उसको कहता है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और एकदम से जो नॉकिंग थी वो एकदम से जोर जोर से होने लग जाती है, एंड वॉइस वॉज रेज्ड, और एकदम से आवाज़ भी आती है, मिस्टर ऑसबल, मिस्टर ऑसबल, तो इस तरीके से आवाज़ वहाँ से आने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखो ये सीन है वहाँ पे, अभी अब क्या हो रहा है कि भाई कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अब क्या करता है कि अपनी जो बॉडी है उसको वो ट्विस्ट कर लेता है, मतलब अकड़ा से लेता है, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, और एकदम से ताकि उसकी जो गन है वो मोटू की तरफ हो जाए, मतलब ऑसबल की तरफ हो जाए, एंड हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट की तरफ हो जाए। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, और जो विंडो पे जो मैक्स लटका हुआ है, ग्रैस्प कर लेता है फ्रेम को, मतलब उसके जो विंडो है उसको साइड में से वो पकड़ लेता है विद हिज फ्री हैंड, जो दूसरा उसका फ्री हैंड था उसके साथ एक विंडो को पकड़ के रखता है, और दूसरे के साथ वो गन उसकी तरफ कर देता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, फिर उसने दूसरी लेग भी अपनी उस पर लटका दी, स्वंग कर दी, एंड ओवर द विंडो सिल, और कहाँ पे, उसी पे विंडो सिल पे, मतलब उसकी खिड़की की जो दहली है उस पर उसने उसको लटका दिया है। द डोर नॉब टर्न्ड, जो दरवाजे की जो नॉब थी, जो पकड़ने की हैंडल था, वो टर्न हुआ, थोड़ा सा मुड़ा, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और क्या किया, स्विफ्टली बड़ी तेजी के साथ मैक्स ने पुश किया
विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और अपने लेफ्ट हैंड के साथ फ्री करने के लिए खुद को किस में से, सिल में से, ठीक है, उस दहली में से, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी में एकदम से मतलब वो उसने छलांग लगा दी, ठीक है, ड्रॉप हो गया उसकी तरफ, वो गिर गया। तो तब क्या हुआ, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो जैसे ही वो ड्रॉप हुआ, जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, एकदम से वो चिल्लाया श्रीली, बहुत ही तीखी आवाज में एकदम से वो, द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाजा एकदम से ओपन हुआ, खुला, एक वेटर आया, वो खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक ट्रे थी, ठीक है, कोई पुलिस नहीं आई वहाँ पे, सिर्फ कौन आया, एक वेटर आया, एक बोतल थी उसके दिम और दो गिलास थे उसके पास, हेयर इज ड्रिंक यू ऑर्डर्ड वैन यू रिटर्न, भाई ये आपका ऑर्डर है ड्रिंक का जो आपने यहाँ पे आते हुए रिटर्न के टाइम पे ऑर्डर किया था, ही सेट, उसने ये बात उसको कही, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे को कहाँ रख दिया, टेबल पे, डेफ्टली अनकॉक्ड द बोतल, और उसने बड़ी सही तरीके से, डेफ्टली मैंने सही तरीके से कुशलता के साथ अनकॉर्क मतलब ढक्कन खोल दिया किसका, बोतल का, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को उसने छोड़ दिया। फिर आगे कह रहा है, वाइट फेस फॉलर स्टेयर्ड हिम, और जो वाइट फेस बिल्कुल ही सफ़ेद चेहरे वाला फॉलर जो था वो स्टेयर्ड हिम, उसने उसको घूरा, ठीक, कैसे घूरा, बट ही स्टैमर्ड, मतलब वो बट कहते हुए हकला सी गया एकदम से, वो अटक सी गया, द पुलिस, लेकिन वो पुलिस कहाँ है, उसने उसको कहा, लेकिन पुलिस जो आप कह रहे थे पुलिस कहाँ, देर वॉज नो पुलिस ऑस्पल साइट, और ऑस्पल ने एक सांस सा लेते हुए मतलब एक आह भरते हुए कहा, देर वॉज नो पुलिस ओनली हैनरी होम आई एक्सपेक्टिंग, भाई केवल हैनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी मैं वेट कर रहा था, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, कि भाई उसने कहा कि भाई अब जब वहाँ पे जो कुछ नहीं हुआ भाई अब क्या करेंगे, लेकिन जो जो मैन जो वहाँ पे जो आदमी है वो बालकनी में जो के बाहर जो है उसका, फॉलर बिगेन, फॉलर ने अपनी बात कही, फॉलर ने कहा कि परंतु जो वो आदमी है उसका क्या होगा जो बालकनी में लटका हुआ वहाँ बाहर, ठीक है, बालकनी में है जो, तो नो सेड ऑस्वाल, ऑस्वाल ने कहा नहीं, क्या कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है, अब ये देखो वो उसने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, यू सी माय यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम यू सी तुम देखो मेरे यंग फ्रेंड तुम देखो देयर इज नो बालकनी, वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं, मतलब उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उसको गिरा दिया, उसको मार दिया उसने मैक्स को, ठीक है, तो इसीलिए बच्चों अपने फिजिकल अपीयरेंस की तरफ ध्यान न देके अपने दिमाग को अच्छा बनाओ, ठीक है, और खुश रहो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको चैप्टर में मज़ा आया हो तो, समझ लेना तो बार बार पढ़ लेना, ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।